इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बजट पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में अपने इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मेरा टीएमसी में दम घुट रहा है। दिनेश त्रिवेदी ने कहा, मनमोहन सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं दिनेश त्रिवेदी, और अब ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो आप देखिए टीएमसी से कैसे एक के बाद एक नेताओं का इस्तीफे का दौर जारी है, और फिलहाल ये बड़ी खबर है इस वक्त की, टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बजट पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में अपने इस्तीफे का उन्होंने ऐलान किया और ये कहा कि मेरा टीएमसी में दम घुट रहा है। ये बड़ा आरोप लगाया पार्टी पर। मनमोहन सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं दिनेश त्रिवेदी, और अब टीएमसी से उनका इस्तीफा किस ओर संकेत करता है ये समझना होगा। वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहां बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। हम आते हैं उस देश से जहां रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाए पा खुजे पावे गो ना गो तुमी, शेजे होच्चे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माई पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर, मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। उधर अत्याचार, तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच, तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब के साथ कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं, और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब, तो सुना आपने, टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफे का ऐलान राज्यसभा में किया। बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए कि टीएमसी में उनका दम घुटता है। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में हिंसा है, और कैसे लोगों को पार्टी में रहकर बोलने नहीं दिया जाता, उन्हें अपना काम करने नहीं दिया जाता, इस तरह के कई आरोप लगाए। और उन्होंने कहा इसीलिए मैं अपनी इच्छा से इस्तीफा देता हूं। एक बार फिर से सुनवाते हैं दिनेश त्रिवेदी ने क्या कहा। वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूँ क्या। हम आते हैं उस देश से जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाए पा खुजे पावे गो ना गो तुमी, शेजे होच्चे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माई पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर, मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। उधर अत्याचार, तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच, तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब के साथ कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं, और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित,
तो सुना आपने, दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि मेरे प्रांत में, यानी उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, जो हमने चाहा था वो नहीं हो पाया, हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और ये सही मौका है कि आज मैं सदन में ही इस्तीफे का ऐलान करूं, इसलिए मैं अपनी इच्छा से इस्तीफा दे रहा हूं। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी से लेकर जो टीएमसी से करीबियों का नाता टूटना शुरू हुआ वो देखिए दिनेश त्रिवेदी तक आ पहुंचा, जिन्होंने आज राज्यसभा में अपना इस्तीफा दिया, बजट पर चर्चा हो रही थी जिस दौरान उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा टीएमसी में दम घुटता है क्योंकि जो करना चाहते हैं, जो विकास के काम करना चाहते हैं, वो करने नहीं दिए जाते और हिंसा पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है, जिसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है और यही बेहतर होगा कि मैं अपने इस पद से इस्तीफा दे दूं। यानी उन्होंने कहा कि मैं टीएमसी से इस्तीफा दे दूं। और अब आप इसके मायने समझिए, और यह बहुत बड़ा झटका है क्योंकि पूर्व रेल मंत्री रहे हैं दिनेश त्रिवेदी मनमोहन सरकार में, ऐसे में सदन में उनका इस्तीफा दे देना ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका। रविंद्र मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रविंद्र, दिनेश त्रिवेदी का इस तरह से इस्तीफा देना, इसके क्या संकेत है, क्या मायने और एक बड़ा झटका ममता बनर्जी को? बिल्कुल, आप देखिए, हालांकि दिनेश त्रिवेदी बहुत बड़े जनाधार वाले नेता नहीं है, लेकिन टीएमसी के दिल्ली में एक चेहरा थे और एक तरह से कहा जाए तो दूसरी बार टीएमसी से इस्तीफा दिए, जब उनको रेल मंत्री से हटाई थी ममता बनर्जी, उस समय भी इस्तीफा दिए थे, बाद में वो वापस टीएमसी में गए थे, लेकिन आज उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो बजट का भाषण देते हुए पार्टी की तरफ से कहा कि घुटन महसूस कर रहे हैं, जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ और देश हित सबसे बड़ा है पार्टी हित से। और आपको याद होगा कल ही प्रधानमंत्री ने अपने पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा था कि राजनीतिक हित से ज्यादा बड़ा है राष्ट्रहित। तो कहीं ना कहीं शायद दिनेश त्रिवेदी उनसे प्रभावित हुए और माना जा रहा है कि एक दो दिन के अंदर बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं दिनेश त्रिवेदी। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका, दिल्ली में उनका एक चेहरा, पार्टी का एक चेहरा उनसे जुदा हुआ और माना जा रहा है कि अब बीजेपी में शामिल हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी से लेकर जो सिलसिला शुरू हुआ था, बहुत करीबी शुभेंदु अधिकारी, वो उनके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है रविंद्र, लेकिन ऐसे में दिनेश त्रिवेदी का अब यहां से इस्तीफा देना, यानी बंगाल से लेकर दिल्ली तक सारी कड़ियां कमजोर हो रही हैं ममता बनर्जी की। बिल्कुल, आप देखिए कि ममता बनर्जी जिस तरह से हाल फिलहाल में पिछले 10-15 दिन का उनका पब्लिक रैली में ही देखिए तो जो बॉडी लैंग्वेज है, चाहे वो भाषण के दौरान जो बोलती हैं, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है पार्टी के नेताओं को, जो बड़े बड़े नेता है उनका भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से विश्वास भरोसा उठ गया है। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी हो, बड़े एमएलए, कई एमएलए, कई एमपी उनका साथ छोड़ रहे हैं और अब दिनेश त्रिवेदी एक ऐसा चेहरा जो सालों से ममता बनर्जी के साथ था और दिल्ली में जब भी ममता बनर्जी आती थी साय की तरह दिनेश त्रिवेदी उनके साथ लगे होते थे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए कि बीजेपी की रणनीति, खासकर गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, कि टीएमसी को उनके घर में ही खोखला कर दिया जाए और बाकी जो जनता है वो उनको अपने पाले में लाया जाए, तो कहीं ना कहीं उस रणनीति का ही एक हिस्सा दिनेश त्रिवेदी है। कि धन्यवाद आपका, बहुत बहुत ये सारी जानकारी साझा करने के लिए रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।